दोस्तों क्या आप लोग भी एमएक्स प्लेयर में कोई भी मूवी या वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों उसकी लैंग्वेज इंग्लिश में है या कोई अदर भाषा में है तो आप लोग उसको हिंदी में कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एमएक्स प्लेयर ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। एमएक्स प्लेयर ओपन करने के बाद दोस्तों मेरे पास एक मूवी आई हुई है जो कि दोस्तों यह लास्ट एयरबेंडर। जो दोस्तों जैसे ही मैं इस मूवी को चलाता हूँ आप लोग इसकी लैंग्वेज सुनिएगा। तो दोस्तों ये फुली मूवी इंग्लिश में है अभी, ठीक है। तो दोस्तों इसको हिंदी में कैसे करना है आज मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसको यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद आप लोग होम पेज पर ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर लोगो पर क्लिक करना होगा कोने पर, ठीक है। आप लोग जैसे ही अपने उस पर क्लिक करेंगे लोगो पर, आप दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऐसी सेटिंग आएंगी, आपको इसमें नीचे आना है थोड़ा और सेटिंग का बटन दिखेगा, आपको सिंपल सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, यहीं पर आपको एक बटन दिखेगा ऑडियो का, ठीक है। आपको सिंपल से ऑडियो के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक बटन दिखेगा प्रीफर्ड ऑडियो लैंग्वेज का, ठीक है। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने कई सारी लैंग्वेज आ जाएंगी, यहीं पर आपको एक हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, ये देख सकते हैं हिंदी पर आ गए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद आपको दोबारा से क्या करना है, उसी मूवी को चला लेना है जिस मूवी को आप लोग अभी इंग्लिश में कर रहे थे, मतलब हिंदी में कर रहे थे। हम यहाँ जाते हैं और ये रही हमारी वो मूवी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हमने इस मूवी को रोक दिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस मूवी पर ऐसे क्लिक करना है वीडियो पर, और यहीं पर आपको एक लोगो दिखता है सॉन्ग का, ठीक है। आपको सिंपल से इस पर ही क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑडियो ट्रैक का बटन आ रहा है, और यहीं पर आपको हिंदी और इंग्लिश दो ऑडियो आ रही है, ठीक है। एक आ रही इंग्लिश, एक आ रही हिंदी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल से हिंदी के बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि ये मूवी हिंदी में हो चुकी होगी। तो दोस्तों आप लोग देखा ये मूवी फुली हिंदी में हो चुकी है। अब दोस्तों यहीं पर आप लोग कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारे में यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी का बटन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पूरी बात ध्यान से सुन लेना, आप लोगों ने जहाँ से ही मूवी या वीडियो डाउनलोड की, अपने फ्रेंड से लिया, कहीं से डलवा के लाए हैं, खरीदी है, तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को पहले ये पढ़ना होता है कि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि जो मूवी हिंदी में डब करी होगी वही हिंदी में होगी, और अदर जो मूवी हैं वो हिंदी में नहीं होंगी। बाद में कमेंट्स में गाली देते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपको मैंने ये सेटिंग बताई है जो इंग्लिश में मूवी है उसको हिंदी में कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में मूवी बनी नहीं है उसको आप लोग हिंदी में कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है जो भी जानकारी मुझे देनी थी। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कि नई वीडियो में।